उज्जैन से बड़ी खबर, जो हम बता दें कि रविवार को आए तेज आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक पे गिरी मूर्तियों को अब जल्द दोबारा स्थापित किया जाएगा। ये कहना है मंत्री जगदीश देवड़ा का। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं है। कल आए आंधी तूफान में 50 साल से लगे पेड़ भी यहाँ पर उखड़ गए, लिहाजा सरकार महाकाल लोक में लगी सभी मूर्तियों की तकनीकी जांच कर रही है और उन्हें और सुदृढ़ करने के साथ ही टूटी हुई मूर्तियों को जल्दी स्थापित करने की तैयारी भी कर रही है। तो रविवार को आए तेज आंधी तूफान के कारण आपको बता दें कि महाकाल लोक की कुछ मूर्तियां जो थी वो खंडित हो गई थी और गिर गई थी, जिसके बाद से अब मंत्री जगदीश देवड़ा का ये कहना है कि महाकाल लोक की जो मूर्तियां जो टूटी हुई हैं, खंडित हो चुकी हैं, उन मूर्तियों की तकनीकी जांच करके उन्हें दोबारा से स्थापित किया जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता। कल आंधी और तूफान बहुत तेज गति से आया है और उसी में यहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ, 6 मूर्तियों के ऊपर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से यह बात है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कहीं कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं और इसी हफ्ते में, एकाध हफ्ते में, दो हफ्ते में ये वापस मूर्तियाँ लग जाएगी। ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जिनका टेंडर था, जो कंपनी काम कर रही थी, वो वापस स्थापित मूर्तियों को करेगी और सारी मूर्तियों को एक बार हम चेक करवा रहे हैं कि कहीं किसी इस प्रकार की कोई दिक्कत अब आगे भविष्य में